अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसको खा के आपको यकीनी तौर पर बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के इस बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 देसी अंडे, उनकी मैंने जर्दी इसमें इस्तेमाल की है। 2 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीनी, आप यहाँ पे पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 चम्मच मैंने लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के, और इसको अच्छी तरह से फोक से हमने इतना मिक्स करना है कि जो इसकी लुक है वो बिल्कुल क्रीमी सी बन जाए। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर दूध के ऐड किए, और इसको तब तक आपने फेंटना है जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता है। मेहनत अगर आपने कम करनी है तो आप इसी भी चीनी इस्तेमाल करिएगा, वो सेकंड में इस तरह की क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। इसकी फॉर्म देख लें, आपने इसको इस तरह रेडी कर लेना है। एक पैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बड़ा मग दूध का, और हमने इसको इतना वार्म करना है कि जिस तरह हम दही के लिए दूध को वार्म करते हैं, हल्का हल्का इसके अंदर हम अपना जो बैटर है वो गिराते जाएंगे और चमचा हिलाते जाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है, इतना उसको गाढ़ा करना है कि ये हमें देखने में लगे कि हमारा जो कस्टर्ड है वो ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। इसका फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये कहीं से भी नहीं लगता कि हमने आर्टिफिशियल कस्टर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। सर्दियों में आप अपने बच्चों को ये बना के दें, इंशाल्लाह उनको कभी भी ठंड नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच रेसिपी को देखने के लिए, और ये 1 स्पून आपके नाम का दुआ में याद रखिएगा।